नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। ऊर्जा विभाग में नई संविदा नीति लागू, संविदा कर्मियों को 50% कोटा, ग्रेजुएटी भी मिल सकेगी। बड़ा अपडेट है मित्रों, मध्य प्रदेश में नई संविदा नीति जारी होने के 11 महीने बाद गुरुवार को ऊर्जा विभाग ने अपने 6000 संविदा कर्मचारियों के लिए नई संविदा नीति लागू कर दी है। इसमें उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी। संविदा कर्मचारियों के मामले में हर साल रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा कर्मचारी के मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं जारी रहेंगी। संविदा कर्मचारियों के मामले में हर साल मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अनुबंध को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक बात करें तो 500% है और अनुकंपा नियुक्ति और एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी। अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। CPI इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। मातृत्व पैतृक अवकाश की पात्रता, छुट्टी में 5 दिवस की बढ़ोतरी, चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा और दुर्घटना पर चिकित्सा लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ₹500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप के माध्यम से 3 वर्ष की कार्य अवधि बढ़ाई जाती थी, वह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है और बाकी जो अपडेट है वो 8 पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है मित्रों। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कि नहीं मिला है उनको। महापंचायत में घोषणाएं की गई थी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।